समाचार सुप्रभात के साथ मैं कुमार कृष्ण। आज की ताजा खबर रमाई आप स्वागत है। भारत और रूस ने आज व्लादिवोस्तोक में 20वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए 15 समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौतों का आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में प्रतिबंधित और प्रतिमंडल स्तर की वार्ता के बाद बंद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर रूस को एक विश्वसनीय भागीदार और एक विशेष मित्र बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देश के संबंध न केवल मात्रात्मक है बल्कि गुणात्मक भी हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और मसूद अजहर को हाल ही में संशोधित गैरकानूनी गतिविधियों संशोधन अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को बाटला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद कुमारी सलेजा कांग्रेस हरियाणा इकाई की प्रमुख होगी, जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल का नेता और राज्य चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस संबंध में घोषणा आज नई दिल्ली में पार्टी हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने की। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होंगे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। यात्रा का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में पेश किए जाने वाले नए सुधारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को देखना है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि डूनर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और आगामी यात्रा में संबंधित विभिन्न मुद्दों और विकास पर चर्चा की। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके प्रशासन ने तेहरान पर और अधिक प्रतिबंध लगाए। आज के समाचार सुप्रभात में इतना ही, कल मिलते हैं इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। समाचार